ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों द्रौपदी की लाज बचाई थी। महाभारत में ध्रुत कीरा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत भी लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रहे। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी बाद में मिलता है। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दिया। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वसुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण उस वक्त उस सभा में मौजूद नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं है। तब श्रीहरि कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक ये दुश्मन बेहोश नहीं हो गया और सभी शून्य नहीं रह गए। सभी को समझ में आ गया कि यह कोई चमत्कार ही है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे दो कारण था। पहला यह कि वह उनकी सखी थी और दूसरा यह कि उसने दो पुण्य कार्य किए थे। यह दो कारण नहीं भी होते तो भी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज जरूर बचाते। पहला पुण्य कार्य यह था कि वह पुण्य कर्म, द्रौपदी जो है वो गंगा में स्नान कर रही थी, जब उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले, इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छुप गया। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़ कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। दूसरा पुण्य कारण यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र में शिशुपाल का वध किया गया, उस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा और तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया कि द्रौपदी की लाज बच गई। जय श्री कृष्णा। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।